हेलो दोस्तों, FTR की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और पहले हम लोगों ने पार्ट वन एंड पार्ट टू देख लिया है, अब हम देखते हैं पार्ट थ्री छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पे। और ये वाला जो पार्ट है वो है प्राकृतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन के बारे में। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन देखेंगे उनके सारे जो ऑप्शन होंगे यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी सारे अपने आप में क्वेश्चन हैं। तो याद रखें, जब भी क्वेश्चन आपको फ्लैश हो तो ध्यान रखें कि बाकी ऑप्शन जो है वो क्या क्वेश्चन बना सकते हैं और किस क्वेश्चन का आंसर बाकी ऑप्शन उसका आंसर होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि महानदी बेसिन के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कितने जिले शामिल हैं। ऑप्शन देखेंगे तो आपको 4, 3, 7 और 15 तीनों दिखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये मैंने पहले से इस चीज को ड्रॉ करके रखा हुआ है। और यहाँ पर ये हमारा है ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, ये हमारा जसपुर सामरी पार्ट, ये महानदी बेसिन और ये हमारा दंडकारण का पठार। तो याद रखेंगे जो मेरा पूर्वी बघेलखंड का पठार है, टोटल कितने जिले आते हैं इसमें, चार जिले कौन कौन से आएंगे ध्यान रखेंगे। कोरिया के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे सूरजपुर के बाद आ जाएगा बलरामपुर के बाद इसमें एक आ जाता है आपका सरगुजा वाला भाग। तो ध्यान रखेंगे चार जिले आते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे जसपुर सामरी पार्ट के तीन जिलों को मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला एक जिला आ जाएगा बलरामपुर, दूसरा एक जिला आ जाएगा यहाँ पे सरगुजा और तीसरा एक जिला आ जाएगा आपका कौन सा, जसपुर जिला। साथ ही साथ आप महानदी बेसिन में जाएंगे तो यहाँ पर आपके टोटल 15 जिले आ जाते हैं, लेकिन जब अगर पेंड्रा मरवाही एंड गौरेला की राजपत्र में वो प्रकाशित हो जाएगा टोटल 16 जिले इसमें समाहित हो जाएंगे। उसी तरह से अगर दंडकारण्य की बात करूँ तो दंडकारण्य जो है बस्तर संभाग के टोटल 7 जिले और प्लस राजनांदगांव का मोहला एंड मानपुर वाला क्षेत्र जो कोटरी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, 15 जिले। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बघेलखंड पठार का कितना प्रतिशत हिस्सा इस राज्य के अंतर्गत आता है। ध्यान रखें, बघेलखंड पठार का कितना प्रतिशत हिस्सा इस राज्य के अंतर्गत आता है को ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर 16.16, 15.34, 28.91 एंड 47.32। तो ध्यान रखिए, चार ऑप्शन दिए और चार ऑप्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसमें बोला है बघेलखंड पठार का कितना प्रतिशत। तो ध्यान रखिएगा कि जो एमपी और सीजी, ठीक, पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समान थे, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है कि जो मेरा छत्तीसगढ़ होता है वो अलग होता है। तो छत्तीसगढ़ वाला जो भाग अलग हुआ उसमें बघेलखंड का कितना पोर्शन था, ठीक। तो ये पूरा ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा ओवरऑल कितना प्रतिशत है आपका, 100%, ठीक है। और इस 100% में से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ वो बघेलखंड का लगभग 47.32% या 47.3% लेकर ये अलग होता है और छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी भाग का निर्माण कर देता है। तो इसका आंसर होगा 47.32। और ये जो 16.16 है इसको भी ध्यान रखेंगे, 16.16 का मतलब ये होता है कि ये जो मैंने छत्तीसगढ़ वाला भाग लिया, अगर मैं इधर से ये मैप बनाऊं तो ध्यान रखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ का 16.16% ऑफ छत्तीसगढ़ इज ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू एंड 47.3% कितना, 47.3% इज द पार्ट ऑफ बघेलखंड प्लेट्यू, करेक्ट। तो आंसर होगा इसका डी। फिर नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, प्राकृतिक प्रदेश एक तरफ दिया गया है, दूसरा तरफ कुल प्रतिशत दी गई है। तो देखते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, जसपुर सामरी पार्ट, इसमें बोला सुमेलित कीजिए। इसमें चारों डिविजन के बारे में बताया, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पार्ट, महानदी बेसिन एवं दंडकारण्य का पठार। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आंसर आएगा वह है पूर्वी बघेलखंड का पठार, क्योंकि पूर्वी बघेलखंड का पठार का जो परसेंटेज 38.5 नहीं है, वह है आपका कितना, 16.16%। यानी छत्तीसगढ़ के कुल 16.16% में छत्तीसगढ़ के चार जिले, दैट मीन्स ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू जो आपका है वहां पर फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ में विस्तृत पूर्वी बघेलखंड के पठार के संदर्भ पर विचार कीजिए। कंसीडर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट यू स्प्रेड इन छत्तीसगढ़। देखते हैं, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में बिलासपुर संभाग और पश्चिम में मध्य प्रदेश। लेट्स सी, देखिए ये जो मैंने बनाया, ये जो मेरा है ईस्टर्न बघेलखंड है, ठीक। अभी जो ईस्टर्न बघेलखंड का पहला ऑप्शन बोल रहा है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। उत्तर में यूपी ले लीजिए इसको, ठीक, उत्तर में यूपी, पूर्व में क्या आ जाएगा आपका, झारखंड, ठीक है। पूर्व में इसका क्या आ जाएगा आपका, झारखंड। क्यों झारखंड आएगा, क्योंकि बलरामपुर और थोड़ा सा भाग आपका जसपुर वाला भाग, यानी बलरामपुर और जसपुर दोनों मिला के इसमें क्या आ जाते हैं आपके, झारखंड से कनेक्ट हो जाते हैं। तीसरी की बात करता है यहाँ पे, दक्षिण में बिलासपुर संभाग, बिल्कुल दक्षिण में बिलासपुर संभाग होता है और सरगुजा संभाग का एक ऐसा जिला बलरामपुर जो जिला है वो बिलासपुर संभाग को स्पर्श नहीं करता। और लास्ट बोल रहा है पश्चिम में मध्य प्रदेश, या बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश, तभी तो बघेलखंड से अलग होकर पूर्वी बघेलखंड बनता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयोग सभी, करेक्ट।
पांचवा क्वेश्चन आता है, पूर्वी बंगाल का विस्तार ऊपर घाट के किस भाग में स्थित। अब बात यहां पर ये आती है भैया, ये ऊपर घाट क्या है, ठीक, तो ये ऊपर घाट क्या है, तो याद रखेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं कहां पे, इस वाले पोर्शन में, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं बात करूं यानी कि जसपुर सामरी पाट, कौन सा पार्ट, जसपुर सामरी पाट छत्तीसगढ़, जसपुर सामरी पाट छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में, याद रखेंगे नॉर्थ, और आपका कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये ईस्ट, यानी कि जसपुर सामरी पाट छत्तीसगढ़ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है। चलिए तो याद रखते हैं, जसपुर सामरी पाट का अगर मैं इसका डिवीजन देखूं, इसको बाइफरकेट करूं, तो याद रखिएगा कि ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट और ये जसपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये हो गया बलरामपुर, ये हो गया आपका सरगुजा डिस्ट्रिक्ट और ये हो गया आपका कौन सा, जसपुर डिस्ट्रिक्ट, करेक्ट। तो याद रखेंगे जसपुर डिस्ट्रिक्ट में मेनली जसपुर पार्ट फैला हुआ है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट और जसपुर डिस्ट्रिक्ट मिला के, यानी कि ये जो पूरा पोर्शन बनाता है, ठीक, ये वाले को हम बोलते हैं ऊपर घाट, करेक्ट, इसको हम ऊपर घाट बोलते हैं या अपर घाट बोलेंगे, और नीचे वाले को बोला जाएगा हेत घाट, या इसी को बोला जाता है नीच घाट, या इसी को बोला जाएगा लोअर घाट, या इसी को बोला जाएगा निम्न घाट, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है हेत घाट, निम्न घाट, नीच घाट कौन से जिले में फैला हुआ है, तो याद रखेंगे जसपुर जिले में फैला हुआ है, और ऊपर घाट कौन कौन से जिले में फैला हुआ, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बलरामपुर और जसपुर जिले में फैला हुआ, यानी कि ऊपर घाट दो भागों में डिवाइड होने वाला है, पहला ऊपर घाट यहाँ आपका सामरी पाट आ जाता है, सामरी पाट कहाँ पर है भैया, बलराम रामपुर में, ठीक, और ऊपर घाट जो है वो कहां फैला हुआ है, जसपुर के बगीचे एंड मनोरा, दैट मींस पंडरा पार्ट वाले भाग में फैला हुआ है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो ऊपर घाट है वो किस डायरेक्शन में, छत्तीसगढ़ विस्तृत पूर्वी बघेलखंड का विस्तार जो है ऊपर घाट के किस भाग में है, यानी ये हमने ऊपर घाट बनाया, अब इसका डायरेक्शन हमने निकाला इस तरीके से, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में मेरा क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है कि ऑप्शन, हां ऑप्शन है बी, नॉर्थ वेस्ट वाले भाग में, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, दिस, ठीक, उपयुक्त कथनों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, तो याद रखेंगे छोटा नागपुर पठार का हिस्सा आपका जसपुर पाट प्रदेश आता है। हम सबको पता है कि छोटा नागपुर जो है वह भारत में खनिज संसाधनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, और जो हमारा रांची नामक जो राज्य है वो छोटा नागपुर पे ही बसा हुआ है, ठीक। तो याद रखेंगे जो हमारा जसपुर सामरी पाट वाला जो भाग है, ठीक है, जहां पे हमें बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, जहां पे जमीरा पाट को हम क्या कहते हैं, बॉक्साइट का मैदान कहते हैं, ये जो पाट प्रदेश मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो ऊपर घाट मैंने बताया, वो धीरे 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 आगे बढ़ते हुए वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो किधर निकल जाता है, वह नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट निकलते निकलते वो कनेक्ट हो जाता है आपका छोटा नागपुर के पठार से। चलिए तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि ओनली टू, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित में दंडकारण्य उच्च भूमि कहाँ स्थित है, तो सीधी सी बात है गोदावरी घाटी के दक्षिण में, ठीक, महानदी घाटी के दक्षिण में, नर्मदा घाटी के दक्षिण में और सोन घाटी के दक्षिण में। चलिए बात करते इसमें, अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ को फिर से उसी तरह बनाऊं, तो ध्यान रखेंगे ये सोन नदी इधर बन गया, महानदी हमने इधर बना दिया, गोदावरी इधर बनाया, इंद्रावती इधर बनाया, ठीक, उसके बाद हमने नर्मदा इधर बनाया। अब बात करते हैं दंडकारण्य की, तो ध्यान रखेंगे जो मेरा दंडकारण्य है, ठीक, तो दंडकारण्य के मध्य से क्या होकर जा रही है, दंडकारण्य के मध्य से होकर जा रही है मेरी इंद्रावती और गोदावरी नदी इधर, यहाँ क्या है मेरी महानदी, यानी कि महानदी घाटी के किस डायरेक्शन में मेरे को दंडकारण्य पड़ रहा है, दक्षिण डायरेक्शन में। देखिए महानदी घाटी के दक्षिण में, यानी आंसर होगा इसका डी। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो सब अपने आप में क्वेश्चंस हैं। चलिए तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जसपुर सामरी पाट बताया था, जसपुर सामरी पाट के बलरामपुर वाले जिले के सामरी पाट के आपके वेस्टर्न पार्ट में लहसन पाट है। कौन सा पार्ट है, लहसन पाट, ठीक, और उस लहसन पाट में ही सबसे ऊंची चोटी, कौन सी चोटी, गौरलाटा जो है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जिसकी लंबाई कितनी है 12-25 मीटर स्थित है। अगर इसको फिर से क्वेश्चन पूछे कि जसपुर सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये आपका गौरलाटा ही आएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे तो क्या आएगा, गौरलाटा ही आएगा। कौन से जिले पे, बलरामपुर जिले में। कौन से पाट प्रदेश पे है ये स्थित, आपके अपर घाट पे, सामरी पाट प्रदेश पे, करेक्ट। चलिए उसके बाद 12-25 तो डील हो गया, 12-10 की बात करते हैं। 12-10 क्या है, 12-10 को ध्यान रखेंगे, ये है आपकी नंदीराज, नंदीराज की हाइट है 12-10, और यह जो है दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी हो गई। बी में आते 1176 क्या है, 1176 आपकी महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है बदरगढ़,
1225 हो गया, 1033 में आते, 1033 जो है हमारे ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू की, इसकी ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की चोटी, ठीक, जो कि विंध्याचल का पार्ट है, जिसकी हाइट है 1033। ये सब आपको पता है कि सोनट के पठार के ऊपर है और वहीं पर कैमूर की पहाड़ी, और कैमूर की पहाड़ी से ही हसदेव नदी का उद्गम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th में चलते हैं। देवगढ़ की पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैसे कि मैंने अभी बात किया, यह बघेलखंड पठार के अधिकतम ऊंचे भाग में, बिल्कुल सही है। देवगढ़ पहाड़ी का सर्वोच्च भाग 1033 मीटर ऊंचा है। यह महानदी की सहायक हसदेव नदी का उद्गम स्थल भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था। सारी चीजें यहां पर तथ्य के रूप में आ गई हैं, ठीक। तो आंसर होगा इसका डी। क्या होगा इसका आंसर? डी, क्योंकि जो मेरी पूर्वी बघेलखंड की पठार है, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है, यह पे एक पहाड़ी है चांग बगार की पहाड़ी, और चांग बगार की पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है आपका देवगढ़ की पहाड़ी। और ये भी याद रखेंगे, जो देवगढ़ की पहाड़ी की जो रेंज चली है वो सोनट के पठार के ऊपर है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि देवगढ़ की पहाड़ी की अवस्थिति के बारे में क्या निम्नलिखित में से सही है, और क्वेश्चन में ऑप्शन देता है कि चांग बगार पहाड़ी के दक्षिण में, तो आप इसको सही करके आएंगे, ठीक। चलिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? देवगढ़ की चोटी, ठीक है। और यहां पर जो मैंने सोनट का पठार बताया, ध्यान रखेंगे सोनट के पठार को दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला वाला भाग उत्तर भाग और दूसरा वाला भाग दक्षिण भाग। ध्यान रखेंगे उत्तर वाले भाग से हमको ध्यान रखना है कि यहां पर से गोपद नदी का उद्गम होगा, और दक्षिण वाले भाग में कैमूर की पहाड़ी, और यहां से हम किसको लेके जाएंगे? हसदेव नदी को लेके जाएंगे। और अगर माइक्रो लेवल पे जाए तो, ठीक, और उसके बाद गोपद की पहाड़ी इधर रांची की पहाड़ी से, और इधर हसदेव की उद्गम कैमूर की पहाड़ी से निकलेगी। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे 17 से 18 क्वेश्चन कराने हो, हमारे पास उतना ज्यादा लंबा हम वीडियो नहीं बना सकते, ठीक, इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल किस ओर है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्लोप ऑफ जसपुर सामरी पार्ट रीजन। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ये डायरेक्शंस के बात कर रहा है। तो फिर से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ, आने वाले कुछ क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए, तो ये क्या आपका पूर्वी बघेलखंड, ये क्या आपका जसपुर सामरी पार्ट, ये क्या आपका दंडकारण्य का पठार। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ढाल पे क्वेश्चन अगर आता है तो इसका जो ढलान है, इसका जो ढाल है वो आप किधर लेंगे? दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक। इसका जो ढाल है वो आप पहले लेंगे दक्षिण की तरफ और फिर लेंगे दक्षिण पश्चिम की तरफ, करेक्ट। और इसका जो ढाल है वो आप लेंगे पूर्व की तरफ, और इसका जो ढाल है वो आप लेंगे उत्तर की तरफ। यानी कि ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू उत्तर डायरेक्शन में, जसपुर सामरी पार्ट दक्षिण पूर्व में, महानदी बेसिन आप लेंगे पूर्व की तरफ, एंड आप दंडकारण्य प्लेट्यू लेंगे दक्षिण पश्चिम में। पहला पॉइंट। फिर बात करते हैं महानदी बेसिन की, ये भी आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन में क्लियर होगा। महानदी बेसिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला वाला जो भाग है, ध्यान देंगे, पहला वाला जो भाग है उसे मैं बोलता हूं छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक। क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। ये वाला जो भाग है इसे मैं बोलता हूं सीमांत उच्च भूमि, या इसे मैं बोलूंगा फ्रंटियर हाईलैंड, ठीक। तो महानदी बेसिन को दो भागों में बांटा गया। इसका क्षेत्रफल जो है 68064 स्क्वायर किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल 21863 स्क्वायर किलोमीटर, 6208 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है 39060 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो 68064 स्क्वायर किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 31600, और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 36464 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि महानदी बेसिन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, पहला छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा सीमांत उच्च भूमि। दोनों में क्षेत्रफल में कौन सबसे ज्यादा बड़ा? तो ध्यान रखेंगे सीमांत उच्च भूमि का जो क्षेत्रफल है 3646 की स्क्वायर किलोमीटर है, करेक्ट। चलिए, तो यहां पर इस तरीके से हम देख ले रहे हैं, डायरेक्शंस आपने देख लिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जसपुर पाट का ढाल की बात कर रहा है, तो जसपुर पाट का ढाल कौन सा आएगा आपका? दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा डी। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 11 है यह महानदी बेसिन के संदर्भ में पूछ रहा है। तो देखिए, इसका ढाल पूर्व दिशा की ओर, बिल्कुल सही है। यहां पर कुल क्षेत्रफल 68064, अगर महानदी बेसिन में कुल क्षेत्रफल बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसने छत्तीसगढ़ के मैदान और सीमांत उच्च भूमि इन दोनों भागों को मिलाकर ये क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल की गणना करवा रहा है। भूगर्भ में कड़प्पा सेल समूह पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं, कड़प्पा सेल समूह महानदी बेसिन में ही पाए जाते हैं। और ये महानदी बेसिन का जो कड़प्पा सेल समूह है वह आग्नेय चट्टान एंड गोंडवाना चट्टानों की कंपेरिजन में थोड़ा कम
इसको क्या बोल सकते हैं कि कड़प्पा चट्टान इजिली इरोड हो सकता है, यानी कि इस डायरेक्शन में महानदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये वाला क्षेत्र बार 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 अपरदन के कारण ये कटोरे के शेप में आ गया। तो ये बहुत ही प्रमुख एक कारण है फिजिकली रूप से, या बोला जाए तो स्थलाकृतियों के आधार पर यह कटोरे का शेप में दिखता है। साथ ही साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं वो पहाड़ एवं पर्वतों से उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, जिसके कारण ये वाला जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है, उपजाऊ हो जाता है। यानी कि एक तरफ नदियों का हम बेस लेंगे और दूसरे तरफ हम ज्योग्राफिकल रीजंस लेंगे, यानी कि जब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ को धान कटोरा क्यों कहते हैं तो वहां पर हम दो भागों की बात करेंगे। पहला कौन सा भाग बात करेंगे, महानदी के कारण, दूसरा हम बात करेंगे महानदी की सहायक नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी लाने की प्रक्रिया को देखकर। ठीक, तो इस तरह से हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लास्ट पंखाकार आकृति है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इसकी चारों फैक्ट्स क्या है सही है, पंखाकार आकृति ऐसे, और ये विंग्स शेप में यहाँ पर है, इधर से ऐसे है, इधर से ऐसे है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 12वें नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पूर्व की ओर धारी डोंगर 899 मीटर, पश्चिम की ओर बदरगढ़, दक्षिण की ओर बैलाडीला है और उत्तर की ओर मैनपाट है, करेक्ट है। इसमें जो डी ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो याद रखेंगे, आप सबको पता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर देवगढ़ है, लेकिन पूर्व की तरफ बोल रहा है ये कौन सा, मैनपाट, और मैनपाट किसका हिस्सा है, ध्यान रखेंगे जसपुर सामरी पाट प्रदेश का, जिसकी हाइट कितना बोल रहा है 1152, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, पूछ सकता है डायरेक्टली। दूसरा है पश्चिम की ओर बदरगढ़, करेक्ट, तो पश्चिम की ओर बदरगढ़ यानी कि मैकल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, या मैं बोलूं महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी 1176, बदरगढ़ स्थित किधर, पूर्व में, ठीक। फिर बात कर रहा है ये दक्षिण की ओर बैलाडीला, यस दक्षिण की ओर बैलाडीला की पहाड़ी स्थित है, बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है आपका, नंदीराज, यानी कि 12-10 मीटर, यानी कि जब बैलाडीला की बात करें तो यहाँ पर याद रखेंगे इसी बैलाडीला की पहाड़ी में एक रेंज है जिसका नाम है मलिंगर घाटी, और उसी मलिंगर घाटी से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या, मलिंगर नदी, जो कि सहायक नदी है किसकी, सबरी की, और कहाँ पर जाके मिलती है, छिंदगढ़ एवं सुकमा के मध्य वाले भाग में जाकर वो मिल जाएगी, करेक्ट। चलिए, तो इसमें से आपका ऑप्शन सारे सही हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन आएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे अपने आप में सही हैं। ये अपने आप में चार क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है इसमें, और इसके ऑप्शन नंबर 4 के आधार पर हम क्वेश्चन बनाते हैं कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी यानी दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो है बैलाडीला। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक, जैसे कि देवगढ़ की पहाड़ी, बदरगढ़ की चोटी, बैलाडीला चोटी, गौरलाटा चोटी आपको पता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा डी, हमने सारा को डिस्कस किया हुआ है। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है पलमा चोटी, ठीक, धारी डोंगर, दल्हापहाड़, लाफागढ़, तो इनके बारे में क्या ऑप्शन है जरा समझते हैं। पहला बात करते हैं पलमा चोटी की, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पलमा चोटी जो है, क्योंकि मैं इनके ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ बाद में आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, तो पलमा चोटी के बारे में आप समझिएगा, पलमा चोटी जो है यह है पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, जो अभी आगामी नवगठित जिला होगा पेंड्रा जिला, उसकी सबसे ऊंची चोटी हमको देखने को मिल रही है पलमा चोटी, जिसकी हाइट है 1080 मीटर। जब मैं पेंड्रा लोरमी के पठार की बात करूंगा तो इसमें दो चोटियां आती हैं, पहला आता है आपका कौन सी चोटी, पलमा चोटी, और दूसरी चोटी कौन सी आती है यहाँ पे, लाफागढ़ की चोटी, ठीक। पलमा चोटी की हाइट है 1080 मीटर और लाफागढ़ है 1048 मीटर, ये है आपकी अभी तो वर्तमान में बिलासपुर में, बट बाद में पेंड्रा, गौरेला, मरवाही में आ जाएगा, और लाफागढ़ जो है वो कहाँ पर है, आपके कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, करेक्ट। चलिए, दिया हुआ ऑप्शन दल्हापहाड़, दल्हापहाड़ की हाइट जो है, ध्यान रखेंगे दल्हापहाड़ की जो हाइट है वो लगभग 750 से लेकर 760 मीटर है, पहला चीज दल्हापहाड़ के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिएगा, दल्हापहाड़ 750 से 760 मीटर है, दल्हापहाड़ एक ऐसा प्लेस है जो कि बिलासपुर रायगढ़ मैदान, याद रखेंगे बिलासपुर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मैदान को जब आप बाइफरकेट करेंगे दो भागों में, तब एक आएगा आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान और दूसरा आएगा आपको रायपुर दुर्ग का मैदान, तो ध्यान रखेंगे बिलासपुर रायगढ़ मैदान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, दल्हापहाड़, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे जांजगीर चांपा जिले में है, चौथा पॉइंट याद रखेंगे नाग पंचमी के दिन यहां पर क्या होता है, मेला लगता है, करेक्ट। चलिए,
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लाफागढ़ हो गया, धारी डोंगर। तो धारी डोंगर के बारे में ध्यान रखेंगे, धारी डोंगर जो है जिसकी हाइट है 899 मीटर, करेक्ट। धारी डोंगर जो है यह सरायपाली में है, कहाँ पे? सरायपाली यानी कि महासमुंद जिले पे, और ये एकदम उड़ीसा का बॉर्डर लगता है, ठीक। अब ये जो धारी डोंगर है, ध्यान रखेंगे धारी डोंगर के बारे में कि यह धमतरी महासमुंद हाईलैंड का सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि जब मैं सीमांत उच्च भूमि की बात करूंगा तो सीमांत उच्च भूमि का एक बात आपको लोगों को पता होगा जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो धमतरी महासमुंद हाईलैंड, तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि की सबसे ऊंची भूमि क्या है? मेरी धारी डोंगर है, करेक्ट। तो इस तरह से आप मैच द फॉलोइंग यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो यहां पर बात कर रहा है किसके बारे में? जल विभाजकों के बारे में। तो ध्यान रखते हैं कि जो जल विभाजक के बारे में बात कर रहा है, यानी कि वाटर सेपरेटर के बारे में बात कर रहा है, यहां पर से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसे रिविजन कर लें, काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी, चलिए ये मैंने छत्तीसगढ़ देखा, आपको पता है यहाँ पे सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर गोदावरी, देन इंद्रावती, यहाँ पर आपका कौन सा है महानदी, इधर आपका कौन सा है नर्मदा, करेक्ट, और इधर आपका कौन सा आता है ब्राह्मणी। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम एवं महानदी ड्रेनेज सिस्टम के मध्य कौन सी पहाड़ी है? तो सोन गंगा एवं महानदी ड्रेनेज सिस्टम के मध्य अगर बोला कि जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन आएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या लिखेंगे? पूर्वी बघेलखंड का पठार। अगर पूर्वी बघेलखंड ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप सीधा सीधा वहां पे छुरी एवं उदयपुर की पहाड़ी मेंशन कर सकते हैं, साथ ही साथ पेंड्रा लोरमी का पठार को भी आप लिख सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो पहला ऑप्शन सोन गंगा एवं महानदी के मध्य जल विभाजक आप लेंगे पूर्वी बघेलखंड। उसके बाद बात करते हैं महानदी एवं नर्मदा अपवाद तंत्र के अंतर्गत कौन है? तो नर्मदा एवं महानदी अपवाद तंत्र के मध्य जो जल विभाजक है वाटर सेपरेटर का कार्य करता है वह है मैकल पर्वत, ध्यान रखेंगे मैकल पर्वत, ठीक। फिर महानदी एवं इंद्रावती अपवाद तंत्र के मध्य जो करेगा वो करेगा केसकाल करेगा, या कभी कभी इसको तेलिन घाटी भी बोल सकता है, ठीक। चलिए ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे, केसकाल पर्वत, महानदी, इंद्रावती बिल्कुल सही है, मैकल पर्वत, सिनाथ और वैनगंगा ये गलत है, देवगढ़ की पहाड़ी गोपद व रिहन के मध्य बनाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे देवगढ़ की जो पहाड़ी है गोपद और रिहन के मध्य ये जल विभाजक का तो कार्य करती है, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर टू होगा ओनली टू वो है हमारा सही आंसर, ठीक। इसमें पूछा है क्वेश्चन में असत्य कौन सा है, तो याद रखेंगे असत्य आपका नंबर दो, ठीक। तो नंबर दो के बारे में आपको पता है कि मैकल पर्वत जो है वो महानदी और नर्मदा के मध्य क्या बनाएगी? डिवीजन बनाएगी, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ये शिवनाथ और वैनगंगा के मध्य, तो हम सबको पता है कि वैनगंगा जो रिवर है तो वैनगंगा निकलती है मध्य प्रदेश से और ये जाके किससे मिलती है? ये तो डायरेक्टली जाके गोदावरी नदी से मिल जाएगी, ठीक। और बाघ नदी जो निकलती है राजनांदगांव से वो वैनगंगा में जाके मिल जाएगी, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। तो शिवनाथ एवं वैनगंगा के मध्य जो बॉर्डर बना रही नहीं, तो ऑप्शन नंबर टू इज रॉन्ग, ठीक। मतलब हमारा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टू। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया और लगभग हमने 15 से 16 क्वेश्चन सारे देखे, और इसके साथ ही साथ आप इसको नोट करते रहें। तब तक के लिए अगला सीरीज हम देखते हैं, अगला कौन सा टॉपिक होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।